नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैक में सहदेवाल की स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं जो कि हमारे भाई साहब है राधेश्याम बेनीवाल। तो इनके खेत के अंदर एक सांप आ चुका है। तो देखिए, गेहूं का सीजन है, गेहूं की कटाई हो रही है, तो ये जानवर निकल के हमारे घरों में या खेत खिलानों में कहीं पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जंटी के अंदर घुस चुका है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा नजदीक, तो देखिए इसको एक जानवर ने काट भी रखा है। तो इसको मैं बाहर निकालने का प्रयास करूं ताकि इसकी जान बचाई जा सके। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बाइट कर रहा है। तो ये बाइट करने में काफ़ी से महारत हासिल होती है, ये बाइट भी कर लेता है। तो ये भैया जी बोल रहे हैं कि ये लेडीज का दूध पी जाता है, तो ये बिल्कुल ही अफवाह वाली बात है। तो ये दूध वगैरह नहीं पीते, तो आप ऐसे भ्रमों से बाहर निकले। देखिए दोस्तों, किस प्रकार ये बाइट कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये तेज बाइट करता है, ये एक नागिन है। तो नागिन काफी फुर्तीली होती है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये मेरे को बाइट कर रही है। अगर ये बाइट कर ले तो आप घबराए ना, क्योंकि इसके दांतों के अंदर कोई भी विष वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेरे मुंह के ऊपर इसने बीट वगैरह कर दिया, तो इसकी बीट से कोई दिक्कत वाली बात ना है। और आप ऐसे जानवरों से घबराए ना, और इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होती है थोड़ी बहुत, तो उसी से इंसान को दिक्कत आ सकती है। जब भी ऐसा सांप आपको बाइट करता है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेके टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाए, ताकि आपकी चमड़ी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये भाई साहब कह रहे हैं बिहार से हैं ये, तो ये बोल रहे हैं कि ये महिलाओं का दूध पी जाता है सांप, और गाय भैंसों का भी दूध पी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। तो देखिए दोस्तों, इसको एक जानवर ने काट दिया, तो काफी जख्मी भी हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसको काट लिया, तो इसको थोड़ा घर जाके हम ट्रीटमेंट भी करेंगे, ताकि इसके चमड़ी के अंदर इन्फेक्शन ना हो और ये अपना आगे का जीवन व्यतीत जंगल में कर सके। तो भैया आप क्या बोल रहे थे, बताइए थोड़ा, क्या बोल रहे थे? नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। ये महिलाओं का दूध पीता है, आपने देखा? आपने भी देखा? बिहार देखा है इन्होंने? देखो बिहार में होता है, तो बिहार में होता था वो ही साफ, यहाँ क्यों नहीं पीता महिलाओं का दूध? तो हमारे यहाँ महिला नहीं है क्या? महिला है तो इसे पकड़ा जाएगा वो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये झूठी बात है भाई साहब। इतना बड़ा वो है लंगर, वो इतना सा से छान देगा, ऊपर से देगा, इतना देता है, रस्सी देता है। देखो ये पकड़ लेता है, इसकी पकड़ मजबूत होती है, ठीक है, बांध लेता है। ये भाई साहब महिलाओं का दूध नहीं पीता। ओ, वो एक्सपर्ट है, सांप का बहुत ज्ञान है, मनोज जी बहुत ज्ञान है। कोई भी सांप हो उनके सब के बारे में मेरे को जानकारी है। अगर कोई भी आप पूछना चाहते हो तो देखो, ये झूठी बात है जो आप कह रहे हो, उसके विष नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। विष नहीं है, जो महिलाओं का आप कहते हो ना दूध पीता है, ये महिलाओं का दूध नहीं पीता, ठीक है। आप कोबरा पकड़ लो, कोबरा की तो खतरनाक है। देखिए दोस्तों, इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूँ, और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है। अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक जानवर की जान बचाई है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक में सहदेव वाल्मीकि के नाम से उसे ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारियां मिल सके, और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ को अधिक से अधिक विकास को। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैक में सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और देखिए दोस्तों, आज के दिन हमने दो सांप रेस्क्यू किया है, जो कि एक धामन सांप है, जो कि बिल्कुल भी विष वाला सांप नहीं होता, और ये बगैर जहर का सांप है। तो देखिए दोस्तों, ये नागिन है और काफ़ी ख़तरनाक नागिन है, तो बार बार ये बाइट करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, और देखिए थोड़ी सी ये जख्मी भी है, इसको हमने दवाई वगैरह लगा दी है।
तो अभी ठीक है, तो अभी इसको मैं रिलीज़ करने के लिए आया हूँ, तो पहले इसे हम रिलीज़ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि ये गाय भैंस का दूध पी जाती है, और आज हमें एक भाई साहब मिले थे जो कि यूपी बिहार साइड के थे, वो बोल रहे थे कि ये सांप महिलाओं का दूध पी जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। तो आज तक हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बोलते हैं कि हमने देखा है ये सांप महिलाओं का दूध पीता है, तो उनकी बातों पर मैंने बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया। तो वो बोल रहे थे कि हमने अपनी आँखों से देखा है, तो आज तक हमने, मेरे को लगभग 33 साल मेरी एज हो गई है, तो आज तक हमने लगभग करीबन 3,000 के करीब हमने सांप रेस्क्यू किए, तो ऐसा कोई हमारे सामने ऐसा केस नहीं आया। तो ये बिल्कुल ही झूठी बात है। तो अभी इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ, ज़्यादा परेशान ना करते हुए। देखिए दोस्तों, ये अपने प्राइवेट में चला जाए। तो देखिए दोस्तों, ये एक कितनी तेज़ ये बाइट कर रही है, तो काफ़ी गुस्से में है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे ग्लव्स पे बार बार बाइट कर रही है, तो इसको परेशान नहीं करेंगे हम। और ये Thank you.